हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच है, आर्म होल की लंबाई 6 इंच है। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग करेंगे। आप 2.5 इंच भी चौड़ाई रख सकते हैं। गले की नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क करके दोनों को बराबर करते एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लंबाई लेंगे। देखिए, गले की लंबाई 10.5 इंच रख रहे हैं, मार्क करेंगे और बिल्कुल बराबर में एक लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना देंगे। अब गले की डिज़ाइन के लिए एक बार इसको मार्क करेंगे, डार्क करके प्रेस कर देंगे। दूसरे साइड से मार्किंग आ चुकी, देखिए डार्क कर दिए हैं मार्क को दूसरे साइड से भी। अब मैंने फिर से ब्लाउज़ को अस्तर को पलट लिया, इस साइड से डिज़ाइन का मार्किंग कर रहे हैं, ऐसे कर दीजिएगा। तो डिज़ाइन का मार्किंग कर दिए हैं, अब इसको बराबर में फैला दिए हैं। अब इसकी कटिंग कर देंगे पूरी। तो देख रहे हैं, जैसे मैंने अस्तर पे डिज़ाइन को मार्क किया था सेम उसी तरीके से कट कर दिए हैं। तो गला मैंने अच्छे से पूरा कट कर दिया है अस्तर का। ब्लाउज़ कपड़ा लेंगे तो बराबर में अस्तर को फोल्ड कर देंगे और ब्लाउज़ कपड़ा लेंगे, दोनों को बराबर में फैला लेते हैं। अब एक सिलाई लगाते हुए दोनों को बराबर करते हैं। अस्तर और कपड़े की गले को देखिए स्टिचिंग करें, ऐसे बराबर में आप भी पूरी स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ। ऐसे बराबर में पूरा गले को स्टिच कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए पूरे गले की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके पूरा निकाल देंगे। तो मैंने गले की पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया। अब छोटे छोटे कट लगा देंगे, इससे जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम आएगी। तो मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए। अब इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो डिज़ाइन को अच्छे से पहले पलट कर सीधा कर लीजिएगा प्रेस करते हुए। अब पूरे गले को मैंने सीधा कर दिया। एक सिलाई लगा के गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं कैसे फिनिशिंग की स्टिचिंग कर रही हूँ। इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो मैंने पूरा अच्छे से फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिया है। अब ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बराबर में फैला लेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं अस्तर कपड़े को बराबर करते हुए कैसे स्टिचिंग की, ऐसे कर दीजिएगा। तो पूरा कम्प्लीटली ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग हो चुकी है। अब ब्लाउज के नीचे के साइड से ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे से माप लेते हुए देखिए मैं ट्रक्स को स्टिच कर रही हूँ। ऐसे दोनों साइड से ट्रक्स को स्टिच कर लेते हैं। ये दोनों साइड से ट्रक्स स्टिच हो चुका है, देख लीजिए। नीचे के साइड से फैब्रिक ज्वाइंट करेंगे और फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते एक सिलाई लगा के इसको पूरा अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो मैंने देखिए नीचे के साइड से ब्लाउज को पूरा अच्छे से स्टिच कर दिया है। ब्लाउज को साइड करेंगे, गले पे डिज़ाइन करना है। गले पे डिज़ाइन करने के लिए मैंने ये पट्टी ले ली। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और बीच में बिल्कुल बराबर में फोल्ड करते एक सिलाई लगा के पट्टी की पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देख रहे हैं मैं पट्टी को कैसे स्टिच करूँ। ऐसे बराबर में पट्टी की स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो पट्टी एक साइड से स्टिच हो चुकी है, इसको साइड करेंगे और इसका हमें डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए इसको हमें कट करना है। तो कट करने के लिए 3.5 इंच की लंबाई पे मैं इसको कट करूँगी। तो 3.5 इंच की लंबाई पे माप लेते हो, बराबर में ऐसे पूरा डोरी फोल्ड कर देंगे। जितने भी पार्ट्स आए आप फोल्ड कर दीजिएगा। अब इसको कट करके अलग अलग कर देंगे। तो मैंने देखी इसको कट करके अलग अलग कर दिया। इसको साइड करेंगे और मैंने ये गोल्डन कलर की पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, बीच में बिल्कुल बराबर में फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाते हुए इस पट्टी की पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने देखी पट्टी पूरा स्टिच कर दिया है। अब इसे डिज़ाइन बनाने के लिए कट करना है। तो पहले हम इसका माप ले लेते हैं। 3.5 इंच की लंबाई भी इसको बराबर में हम फोल्ड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट में और इसको जितने भी पार्ट्स आए उस उतने पार्ट में फोल्ड कर देंगे और कट करके अलग अलग कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने कट करके अलग अलग कर दिया। दोनों को साइड करेंगे। मैंने न्यूज़पेपर ले लिया, न्यूज़पेपर की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। तो 3 इंच की चौड़ाई पर पूरा मार्क कर देते हैं इस पर। इसको बराबर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे मार्किंग करने के बाद।
अब इसको यहाँ से कट करेंगे जहाँ से मार्क किया है। ये न्यूज़पेपर कट चुका है, इसको साइड करेंगे और इस डोरी दोनों ले लेते हैं। तो ये मैंने डोरिया ले लिया है, जो सॉरी पट्टिया ले लिया है। अब पट्टी को देखिए क्रॉस में रखते हुए कैसे डिज़ाइन करके न्यूज़पेपर पे स्टिच करेंगे, आप वीडियो में देख लीजिए। इस तरीके से बीच में गैपिंग देते हो, पट्टियों को स्टिच कर दीजिएगा। तो एक साथ में चार लेयर में स्टिच करेंगे। अब इसके बिल्कुल अपोजिट साइड से हम देखिए ग्रीन कलर का लेयर बना रहे हैं, ऐसे आप भी बनाइएगा गैपिंग देते हुए। तो आपने देखा मैंने कैसे डिज़ाइन को बनाया, दूसरा लेयर ऐसे तैयार कर रहे हैं। ऐसे अब ग्रीन कलर का लेयर इसके ऊपर से तैयार कीजिएगा। तो ये मैंने देख लीजिए पूरा अच्छे से आपको डिज़ाइन ये बनाना बता दिया है। तो जैसे मैंने आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाया, आपको समझ में आया होगा, ऐसे आप पूरा डिज़ाइन बना लीजिएगा। देख लीजिए मैंने पूरा कम्प्लीटली ये बना के आपको दिखा दिया है। अब इस डिज़ाइन को साइड करके ब्लाउज़ ले लिए, ब्लाउज़ के गले पर हमें लेस स्टिच करना है, तो लेस लेंगे और गले पे लेस को देखिए कैसे स्टिचिंग करें। बिल्कुल कॉर्नर से रखते हुए लेस को स्टिचिंग कीजिएगा और लेस को बिल्कुल घुमाते हुए जितने भी कॉर्नर आए वहाँ से लेस को फोल्ड करके वी शेप में बना के स्टिच कीजिएगा। तो यहाँ से देख लीजिए हम जितना गला ये डिज़ाइन वाला था यहाँ तक लेस स्टिच करेंगे। अब जो स्क्वायर है यहाँ से लेस कट कर देंगे। अब जो डिज़ाइन मैंने अभी बनाया हुआ है, डिज़ाइन को बराबर में ले लेते हैं और इसके ऊपर रखते हुए एक सिलाई लगा के डिज़ाइन को स्टिच करेंगे ब्लाउज के साथ में। तो देख लीजिए मैंने कैसे दोनों साइड से स्टिच कर रहे हैं, डिज़ाइन कैसे स्टिच कर दीजिएगा। अब ये एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे। अब इस पे लेस की स्टिचिंग करेंगे। उसके पहले देखिए जो न्यूज़पेपर लगाए थे उसको पूरा रिमूव करें, अच्छे से रिमूव कर दीजिएगा। पूरा मैंने देखिए रिमूव कर दिया है। अब इसके साइड से देखिए लेस को कैसे लगा रहे हैं, इसे बराबर करते हुए लेस को पूरा लगा दीजिएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं कैसे लेस को लगा रही हूँ, ऐसे पूरा लगा दीजिएगा। तो मैंने कम्प्लीटली लेस की स्टिचिंग कर दिया है। अब इसको डेकोरेट करना है, तो डेकोरेशन के लिए मोती ले लिए। मोती को बिल्कुल बराबर करते हुए बीच से जहाँ से क्रॉसिंग में आया वहाँ से मोती को स्टिच कीजिएगा नीडल की सहायता से। इस तरीके से मैं पूरे डिज़ाइन पे मोती लगाऊंगी, जैसे मैं आपको अभी मोती लगाते हुए इन डिज़ाइनों पर दिखा रही हूँ, ऐसे पूरे जितने भी डिज़ाइन बनी है सभी के क्रॉसिंग पॉइंट पे लगा दीजिएगा। तो ऐसे पूरा लगा देंगे। तो मैंने कम्प्लीटली पूरी मोती ये लगा दिया है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए जो देखिए स्पेस था अभी इससे वहाँ से बटन लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी। मेरा ब्लाउज डिज़ाइन देखिए कंप्लीट है। अगर आपको अच्छी लगी हुई डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को उसके साथ प्रेस करना ना भूलिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ, जो ऐसा ही ब्यूटीफुल और सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।